हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लास्ट किचन। और आज हम बनाएंगे पापड़ी चाट एकदम मार्केट स्टाइल में, बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। तो चलिए सबसे पहले हम पापड़ी का डो बना लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए मैदा 1 कप। अब हम सॉल्ट डालेंगे, मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ऑयल से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। और थोड़ा वाटर डालकर अच्छे से डो बना लेंगे। हमें डो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बनाना है, एकदम सॉफ्ट डो बनाना है। और डो बनाकर 10 मिनट्स के लिए रख दीजिए और फिर उसको हम बेल लेंगे। इक्वल बेलें आप, ध्यान रखें कि साइड से मोटा पतला ना हो। और फिर आप कोई भी कुकी कटर से उसको राउंड शेप में अच्छे से कट कर लीजिए। और देखिए, बहुत अच्छे से हमारे पापड़ी बनकर रेडी है। हमें सारी ऐसे ही कट कर लेने हैं। और लीजिए, हमारी पापड़ी बन गई है। अब इनको हम फ्राई करेंगे। इधर मैंने ऑयल गरम कर लिया है। हमें ऑयल को बहुत ज़्यादा हॉट नहीं करना है, वरना हमारी पापड़ी फूल जाएगी और सॉफ्ट बनेगी। हमें थोड़ा ठंडा ऑयल रखना है और उसके अंदर हमें धीरे धीरे करके एक एक पापड़ी डाल देनी है और उनको बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। और हमें ऑयल का टेम्परेचर मीडियम ही रखना है और हमें पापड़ी को कंटिन्यूसली चलाते हुए और पलटते हुए फ्राई करना है। तो फ्राई करते हुए थोड़ा पेशेंस चाहिए और ये तभी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी। और देखिए, बहुत अच्छा कलर आ गया है। अब हमें साइड को चेंज कर देना है और दूसरी साइड से भी हमें इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। और देखिए, बहुत क्रिस्पी बनी है हमारी पापड़ी। और अब इसको हमें एक प्लेट में निकाल लेना है। इनका ऑयल हमें बिल्कुल स्ट्रेन कर देना है। और देखिए, हमारी पापड़ी बनकर ऑलमोस्ट रेडी है। अब इनकी प्लेटिंग करते हैं। प्लेटिंग के लिए एक सर्वर डिश ले लीजिए, उसके अंदर पापड़ी लगा दीजिए। और मैंने सब पापड़ी अच्छे से लगा दिया। उसके ऊपर हम दही डालेंगे। मैंने दही को बहुत अच्छे से फेंट कर रखा हुआ है, कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए उसके अंदर। अब हम उसके ऊपर बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। टमेटो डालेंगे, टमेटो चाट में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, आप इसको ज़रूर डालें। मैंने इनका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा कट करके रखा हुआ है, आप चाहें तो थोड़े बड़े साइज़ के भी कट करके रख सकते हैं। और उसको अच्छे से बॉईल करके ही हमें डालना है ऊपर। अब हरे धनिया की चटनी यानी कि कोरिएंडर चटनी ऐड करेंगे। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको एंड तक ज़रूर देखें। अब इसके ऊपर इमली की चटनी डालेंगे, आप सौंठ की चटनी भी ऐड कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा फ्लेवर देती है चाट में। अब फिर से हम उसके ऊपर दही डालेंगे। या आप ध्यान रखिए, दही फ्रिज में होनी चाहिए एकदम ठंडी, चाट तभी ज़्यादा अच्छी लगती है। अब ज़ीरा डालेंगे, मैंने कुटा हुआ ज़ीरा डाला है, आप पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डालेंगे यानी कि लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा सा नमक डालेंगे, हमें एक पिंच ही लेना है। फिर थोड़ा चाट मसाला ऐड करेंगे, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। अब थोड़ी इमली की चटनी और डालेंगे। और लीजिए, बहुत टेस्टी पापड़ी चाट बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें।